जय श्री महाकाल। दोस्तों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं दुर्लभ कश्यप का दोस्त कुणाल डोरेमोन जेल से बाहर कब आएगा, साथ ही साथ दुर्लभ कश्यप का दोस्त कुणाल डोरेमोन जो कि आज के समय में जेल में किस हालत में है। तो आज के इस वीडियो में आपको दोस्तों हम सब कुछ बताएंगे। आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। दोस्तों, आपको बता दें दुर्लभ कश्यप का दोस्त कुणाल डोरेमोन जिसके बारे में ये कहा जाता है वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी से भी नहीं डरता था और दुर्लभ कश्यप का साथ देने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। लेकिन साल 2020 में जब दुर्लभ कश्यप का एक गैंगवार में मौत हुआ तो दुर्लभ कश्यप के मरने के बाद दुर्लभ कश्यप का दोस्त कुणाल डोरेमोन जो कि काफ़ी गुस्से में आ गया और कुणाल डोरेमोन उसके मरने के बाद हमेशा बस एक ही कोशिश करता किसी भी तरह से दुर्लभ कश्यप के कातिलों से बदला लेना है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, दुर्लभ कश्यप का दोस्त कुणाल डोरेमोन जिसने दुर्लभ कश्यप के कातिलों से बदला लेने के चक्कर में शाहनवाज खान गैंग के एक लड़के को 22 बार चाकुओं से मारा और 22 बार चाकुओं से मारने के बाद उसे घायल कर दिया। हालांकि कुणाल डोरेमोन जो कि फरार चल रहा था, कुणाल डोरेमोन को यह लगता था पुलिस वाले जो कि मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन भाई, पुलिस वालों से कौन बच सकता है, कानून का हाथ तो सबसे लंबा होता है। लेकिन कुणाल डोरेमोन इस गलत फहमी में था कि उज्जैन पुलिस मुझे कभी भी अरेस्ट नहीं कर पाएगी, तो कई दफ़ा कुणाल डोरेमोन ने पुलिस वालों को चैलेंज भी कर दिया। उसने पुलिस वालों से कहा कि पुलिस वाले मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन फाइनली आपको बता दें, उज्जैन पुलिस ने साल 2022 में गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन को अरेस्ट कर ही लिया। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार कुणाल डोरेमोन जो कि अभी तो फिलहाल जेल में है, लेकिन वो जेल से बाहर कब आएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि आज के समय में दुर्लभ कश्यप को चाहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों का एक ही सवाल होता है कि आखिरकार दुर्लभ कश्यप का बदला कौन लेगा। दोस्तों, जैसा कि कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सबों को बताया था, दुर्लभ कश्यप का दोस्त रोशन शर्मा जो कि तकरीबन 3 साल से जेल में बंद था और जेल में बंद रहने के बाद रोशन शर्मा जो कि जेल में ही सोच रहा था जब हम जेल से बाहर जाएंगे तो दुर्लभ भाई के कातिलों से बदला तो लेकर रहेंगे, पहलवान के कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें रोशन शर्मा जब जेल से बाहर आया तो जेल से बाहर आने के बाद उसने दुर्लभ कश्यप के लिए कुछ भी नहीं करा। और आज के समय में बताया जाता है रोशन शर्मा जो कि अपना मस्त वाला एकदम जिंदगी जी रहा है, लेकिन अब सभी लोगों को केवल एक ही उम्मीद है गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन से। आज के समय में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुणाल डोरेमोन जो कि यदि जेल से बाहर आएगा तो वो दुर्लभ कश्यप के कातिलों से बदला तो लेकर के ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बताते हैं आखिरकार कुणाल डोरेमोन जो कि आज के समय में जेल में किस हालत में है। बताया जाता है गैंगस्टर कुणाल डोरेमोन जो कि आज के समय में जेल में केवल दुर्लभ कश्यप को ही याद करता है और कुणाल डोरेमोन का तो एक ही सपना रहा है हमेशा से कि जब तक जिएंगे तब तक दुर्लभ कश्यप के कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिलहाल तो आज के समय में कुणाल डोरेमोन जो कि जेल में बंद है। लेकिन हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि दुर्लभ कश्यप का दोस्त कुणाल डोरेमोन जो कि बहुत जल्द जेल से बाहर आ सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि कुणाल डोरेमोन यदि जेल से बाहर आएगा तो क्या वो दुर्लभ कश्यप के कातिलों से बदला लेगा। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें अब तक जो कोई भी जेल में बंद रहा है तो जेल जाने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा सुधार तो अवश्य आता है और आज के समय में दुर्लभ कश्यप का गैंग लीडर चयन सीके वो भी जेल में बंद है, तो जेल में बंद रहने के बाद कहीं ना कहीं चयन सीके भी जेल के अंदर हो सकता है कि सुधर गया हो या फिर क्या पता जेल के अंदर रहते रहते वो बिगड़ भी ना जाए। तो बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है, यदि कुणाल डोरेमोन जेल से बाहर आएगा तो वो कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप के कातिलों से बदला तो लेकर ही रहेगा। तो फिलहाल देखते हैं आखिरकार कुणाल डोरेमोन जो कि कितना जल्दी जेल से बाहर आता है। फिलहाल तो दुर्लभ कश्यप का दोस्त कुणाल डोरेमोन जो कि जेल में पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन हाँ, सूत्रों के अनुसार ये बताया जाता है कुणाल डोरेमोन जो कि बहुत जल्द जेल से बाहर आएगा और आगे देखते हैं आखिरकार कुणाल डोरेमोन का अगला कदम क्या होगा। तो फिलहाल आप लोग यही खबर चाहते थे कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को सुना दूँ, तो बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमेशा मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अपराध और अपराधियों से हमेशा दूरी बनाकर रखना। जय श्री महाकाल दोस्तों।